उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अपने बेटे की मौत के बाद एक पिता ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका को लेकर इंसाफ के लिए तमाम उच्च अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बाद न्याय न मिल पाने की वजह से अपने मृतक बेटे के शव को 17 दिन से डीप फ्रीजर में रखा है और अब अदालत की शरण ली है। ये चौंकाने वाला मामला सुल्तानपुर जिले के कूड़ेवार थाने के सरैया मझोवा गांव का है। यहां के सूबेदार पाठक कपूरवा के रहने वाले शिव प्रसाद पाठक सेना में सूबेदार थे। रिटायर होने के बाद वो गांव आ गए। शिव प्रसाद पाठक के परिवार में पत्नी के साथ ही दो बेटे शिवांक ईशांक और उनकी बेटी सुनीता व पूनम है। पिता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी थी। बड़ा बेटा शिवांक दिल्ली में रहता था। शिवांक ने दिल्ली में 24 अप्रैल 2012 को एक व्यक्ति के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी। कंपनी के पार्टनर ने दिल्ली की ही रहने वाली एक युवती गुरलीन कौर को अपने यहाँ एचआर के पद पर नियुक्त किया था। बताया जा रहा है शिवांक ने इसी युवती के साथ 2013 में शादी कर ली थी। आरोप है कि शिवांक के नाम काफी संपत्ति थी जिस पर युवती और उसके परिवारजनों की नजर थी। इसी बीच 1 अगस्त 2021 को दिल्ली में उसके भाई शिवांक पाठक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूबेदार शिवप्रताप पाठक कहते हैं कि बेटे की मौत की सूचना उनके दामाद ने उन्हें दी और छोटे बेटे ईशांक को लेकर जब वो दिल्ली पहुंचे तो बेटे की हत्या की जाने की तहरीर उन्होंने SHO बेगमपुरा दिल्ली को दी, लेकिन पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया और शव को पोस्टमार्टम होने के बाद उन्हें सौंप दिया। इसके बाद परिवारजन शिवांक के शव को लेकर 3 अगस्त को यहां गांव आ गए और बेटे की मौत से पर्दा उठाने के लिए पिता ने कूड़ेभार थाने की पुलिस को सूचना दी। शिवांक का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन आरोप ये है कि उनकी एक ना सुनी गई और उसके बाद पिता ने खुद ही एक डीप फ्रीजर खरीदा और घर ले गए और उसमें अपने जिगर के टुकड़े को रख कर इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी। आज 17 दिन हो गया। अभी तक कहाँ कहाँ कार्रवाई आपने एप्लीकेशन दिया कार्रवाई के लिए? दिल्ली हाई कोर्ट में बहस हुई और अभी सुल्तानपुर CGM से यहाँ से ऑर्डर हुआ, जिला जज के यहाँ से ऑर्डर हुआ, CGM के यहाँ। CGM 3-4 दिन बैठ नहीं पाई। कल जो है बहस हुई फाइनल, आज जो है उसका जजमेंट मिलेगा। क्या लगता है कि सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं चाहता हूं कि उचित न्याय मिले, जो दोषी हैं उनको उचित सजा मिले। 3 अगस्त से 9 अगस्त तक लगातार रिटायर्ड सूबेदार, स्थानीय थाना SP और DM तक गुहार लगाते रहे पोस्टमार्टम कराने के लिए और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। थक हार कर पिता ने न्याय के लिए दीवानी न्यायालय की शरण ली और अपने मृतक बेटे के शव को डीप फ्रीजर में 17 दिनों से सहेजे हुए हैं। वीडियोग्राफी से तो हुई थी पोस्टमार्टम, लेकिन जो वहां का आईओ था वो खुद जाके वही उनका, जैसे मुझे लग रहा था कि उनका वकील हो गया है और वही उनका जांच निरीक्षक अधिकारी हो गया है, वो जाके खुद जहां बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था वहां बैठा हुआ था। सब कुछ हमारी बिल्कुल सुनी नहीं रहा था। वो हम कुछ भी कहें तो वो मेरी तो बिल्कुल सुनी नहीं रहा था। फिर हम लोग को बॉडी हैंड ओवर किया, हम लोग यहां पे घर पे आए। फिर इसके बाद हमने थाने में तहरीर दी, उन्होंने बोला और SP साहब के यहां दी तहरीर। फिर कहीं से न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय में गए हुए हैं। अभी न्यायालय का आखिरी फैसला नहीं आया हुआ है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा कहते हैं कि कोई घटनाक्रम यहां का है नहीं, चूंकि मामला अदालत में है लिहाजा मैं इस मामले में कोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। नाउ 44 के लिए कूड़ेभार से अनिल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज